हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू इन माय वैदिक एस्ट्रो साइंस चैनल। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंटेस्टिनल अल्सर के विषय में। पामिस्ट्री में यानी हाथ में वो कौन कौन से चिन्ह होते हैं जिससे हम जान सकते हैं इंटेस्टिनल अल्सर बीमारी के विषय में। हालांकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अल्सर होते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ इंटेस्टिनल अल्सर के साइन में बताने जा रहा हूँ। आइए देखिए, हेल्थ लाइंस, ये जो हमारा जो ये लाइन जो है, ये हेल्थ लाइन है। और अगर ये हेल्थ लाइंस के आसपास आप देख पे रहे हैं कि छोटी छोटी लाइंस भी है, एकदम पैरेलल टू हेल्थ लाइन, बिल्कुल समानांतर छोटी छोटी रेखाएं, अगर इस तरह से अगर बनी हुई हो मस्तिष्क रेखा के आसपास या उसके जस्ट नीचे, अगर इस तरह से अगर बनी हुई है और इस टाइप का आपको लगे जैसे कुछ रिजियस फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, अगर वैसा अगर दिखे तो ये श्योर इंडिकेशन होगा इंटेस्टिनल अल्सर बीमारी के विषय में। और मैंने बहुत हाथों में ये भी देखा है कि ये जो लाइन्स है ना, केवल इंटेस्टिनल अल्सर को ये बतलाता है, बल्कि ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को भी बतलाता है। कब्ज की जो समस्या जो है उसको भी ये लाइन जो है, ये चिन्ह जो है, ये साइन जो है, वो ये भी बतलाता है। और एक बात और, अगर जो हेल्थ लाइन है अगर उसमें कई ब्रेक्स अगर आ जाए, अगर रेखा अगर टूट जाए कई जगहों से, अगर छोटी छोटी रेखाओं में वो खंडित अगर हो जाए, और इस प्रकार हेल्थ लाइन खंडित हो कि बिल्कुल सीढ़ी नुमा वो बन जाए, तो ये लाइन व्यक्ति को स्टेमिना प्रॉब्लम देता है। स्टेमिना प्रॉब्लम का मतलब आदमी थोड़ा सा भी काम करेगा तो वो थका थका वो फील करेगा, तो ये स्टेमिना प्रॉब्लम भी देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो हमारा रहा इंटेस्टिनल अल्सर पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।